हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विजया व्लॉग्स। तो आज है चौथा दिन और है ग्रीन कलर, और आज का दिन है माता कुष्मांडा का। कुष्मांडा माता रानी, इस दिन कुष्मांडा माता रानी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से सभी रोग दोष जो होते हैं वो नष्ट होते हैं, और इसीलिए उनकी आज उपासना की जाती है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ माता रानी के कुछ थोड़े बहुत मेकअप करने जा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। कलर वाइज मैं कपड़े पहन रही हूँ, कलर वाइज मैं मेकअप कर रही हूँ, और सब मेकअप अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही डुप्लीकेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेकअप मैं पर्सनली अलग अलग मेकअप ट्राई कर रही हूँ, और अलग अलग ज्वेलरी, मेकअप वगैरह सब कुछ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट अभी से प्लीज़ कर दो, और चैनल पर अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने ग्रीन कलर पहना है, और ग्रीन कलर है फोर्थ डे, और फोर्थ डे ग्रीन कलर का मैंने साड़ी प्लस मेकअप सब कुछ कर लिया है। अब मैं मेकअप में हाई शैडो में यूज़ करूँगी रेड एंड ग्रीन। जैसा कि मेरा देख सकते हो आप, रेड ब्लाउज है, ग्रीन साड़ी है, उसी हिसाब से मैं मेकअप भी करने स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने माथे पर ग्रीन कलर से पूरा आई शेडो को लगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, और आई शेडो में हाथों से ही मैंने फटाफट ग्रीन एंड रेड लगा लिया है। ये वाला ट्रिक ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो हाथ हम लोग ब्रश से करते हैं बहुत टाइम लगता है उसमें। उसके बाद मैंने उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से फटाफट से कर लो, और ये प्रॉपर लग भी जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने ही किया है कि मैंने किस तरीके से आपको करके बताया कि फिंगर्स का यूज़ करके हम लोग अच्छी तरीके से आई शेडो कर सकते हैं। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ आईज़, जो कि मैंने सारे वीडियो में सेम रखा है, आप देख सकते हो। अगर अभी भी अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देखो, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी है आप प्लीज़ बता सकते हो मुझे, और मुझे मोटिवेट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता सकते हो कि क्या कमी थी, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे हम चीज़ें करते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हाँ यार, इसमें और भी चीज़ें हो सकती थी। बट फिर भी मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है। अब ये मेकअप मैंने करने के बाद भी मुझे ये लगा कि यार, इसमें और प्रिपेयर कर सकती थी मैं, पर ठीक है, अपना बेस्ट देने के बाद अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है हाँ सही गलत क्या है, तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाया है उसमें अपनी तरफ से न्यू ट्राई करने की कोशिश की है, मेकअप करने की कोशिश की है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर पीछे दित्या घूम रही है, उसको दित्या घूम नहीं रही थी, दित्या सो रही थी, उसको मैं कैसे कैसे सुला के लाई थी। ज़्यादा से तक 10 से 15 मिनट हुआ था वो सोई थी, उसी बीच में वो उड़ गई, और मुझे को ऐसे देख के वो पता नहीं क्या हो गया, उसको रोनी बहुत तेज़ रोई। तो मैं फटाक से मम्मी को देकर आई, फिर भी मम्मी के पास वो रो रही थी, फिर उसको थोड़ा सा फीडिंग वगैरह दिया, उसके बाद वो शांत हुई, फिर मुझे देख के वो हंसने लगी। तो एक्चुअली वो ऐसा रूप देख के थोड़ा सा डर गई होगी, क्योंकि वो सोगे भी उठी थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है। फिर वो खेली मुझे देख देख के, वो पता नहीं कि बार बार हंस रही थी। आप एंड में देख सकते हो, मैंने उसको दिखाया कि कैसे वो हंस रही है मुझे देख के। तो बस मेकअप मेरा हो गया, इस तरीके से मैंने काजल वगैरह लगा लिया, सब कुछ इक्वली था, सब कुछ सेम ही था, जैसे काजल मैंने बताया आपको कैसे लगाना है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इस बार हाथ में अच्छी तरीके से आलता लगाऊंगी, और इस बार मैंने सच में आलता लगाया हाथ में। आप देख सकते हो पूरा मेकअप करने के बाद ही लुक आता है कि हाँ सच में देवी बनी हूँ, और उसके पहले ऐसा लगता है कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, बट फिर भी लास्ट टू एंड लास्ट में वेट करना चाहिए हमें कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसा पूरा लुक आता है। और ये वाली जो मुकुट है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको भी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। ये मुकुट मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, और ये अलग ही चीज़ थी जिसका मैंने अलग ही चीज़ बना दिया। तो इसकी वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो भी डालूंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल सकती हूँ, वो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ कर लिया ग्रीन कलर का सब कुछ, ग्रीन कलर की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। सो उसके बाद यहाँ पे मैं रेड फ्लावर लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ब्लाउज से मैच करने की कोशिश कर रही थी, तो बट ये इतना खास नहीं लग रहा था। एंड में मैंने निकाले दिया था, एंड में मैंने निकालने दिया था, मैंने इसको एक बार वापस निकालना पड़ा क्योंकि दित्या उड़ गई है, तो मुझे मुकुट वगैरह सब कुछ निकाल के फिर उसको जाके फीडिंग वगैरह कराना पड़ा, और ये बार बार निकल रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में मुझे एट द एंड मुझे बांडे का निकालना ही पड़ा क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि हेयर स्टाइल कुछ अलग करने की कोशिश करूँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें मैंने फिर याद आया कि यार मैं कोई ब्यूटी वीडियो तो बना नहीं रही हूँ, कोई माता का रोग जैसा कुछ बना रही हूँ, तो इसमें ये
लट वगैरह अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद ऑलरेडी पूरा मेकअप हो चुका था, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाथों में आलता। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर हाथों में आलता लगाया है, और दित्या मुझे पीछे से देख देख के पता नहीं कि इतना हंस रही थी मैं जोकर लग रही थी क्या लग रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मेकअप के लिए। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। और यहाँ पर देखो दित्या कैसे हंस रही है मुझे देख के, ये रही। तो फिर बस ऐसे ही मैंने आज की वीडियो पूरी की है। आज माता रानी कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। मेरा मेकअप कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, और जो भी होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, और एंड में ज़रूर देखना थोड़ी सी वीडियो मैंने अलग करके डाली है, और शॉर्ट वीडियो भी डाल उसके पहले ही मैं डाल देती हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा में देखना है तो शॉर्ट वीडियो में आके देख सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।